नमस्कार, मैं हूं कविता। हेल्दी क्रेविंग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूं ठंडाई बनाने का बहुत ही आसान तरीका। ठंडाई मसाला बनाएंगे जिससे कि आप ठंडाई कभी भी किसी भी वक्त जब भी आपका मन करे इसे आप आसानी से बना सकते हैं और इसे बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। ठंडाई बहुत ही फ़ायदेमंद ड्रिंक है क्योंकि इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट होते हैं जिसकी वजह से ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है हम सभी के लिए, क्योंकि ठंडाई की तासीर ठंडी होती है और होली के त्यौहार पे तो जब तक ठंडाई ना बने त्यौहार अधूरा सा लगता है। आप सभी से निवेदन है, अगर आपने मेरे चैनल हेल्दी क्रेविंग्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले ठंडाई के लिए ठंडाई मसाला तैयार करेंगे, उसके लिए हम ये कुछ चीज़ें लेंगे। देखिए, ये मैंने लिए हैं वाटरमेलन सीड्स, जिन्हें कि हम मगज के बीज भी कहते हैं। ये लिए हैं मैंने आधा कप, और आधा कप ही लेंगे इसमें बादाम, आधा कप काजू। काजू इसमें आप टुकड़ी वाले होंगे तो भी चलेंगे क्योंकि हमें इन्हें सब चीज़ों को ग्राइंड करना है। और दो बड़े चम्मच लिए मैंने सौंफ, 15 से 20 इलायची, और ये है पोस्त दाना जिसे खसखस भी कहते हैं, और वैसे इसे कहेंगे हम पॉपी सीड्स, ये भी मैंने लिए हैं 2 बड़े चम्मच। और 2 बड़े चम्मच ही लिए हमने काली मिर्ची, और उसके अलावा देखिए ये लिया है दालचीनी पाउडर 1/4 चम्मच, और ये केसर के धागे लिए हैं हमने करीबन 25 से 30, और ये लिया है मैंने जायफल यानी कि नटमेग। अब इन सभी चीज़ों को हमें थोड़ा सा गर्म करना है, उसके लेंगे देखिए हम कोई भी इस तरह का पैन या कढ़ाई। अब इसमें हम ये सभी चीज़ें डाल देंगे, जो जो हमने ड्राई फ्रूट लिए हैं पहले वो डालेंगे इसमें। आप कह रहे होंगे कि ठंडाई बनानी है तो ठंडाई के लिए इन सब चीज़ों को क्यों गर्म करना है। गर्म इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन चीज़ों में अगर नमी होगी तो उसको निकालना ज़रूरी है क्योंकि ठंडाई मसाला स्टोर करना है। साथ ही देखिए इसमें मैंने डाले हैं आधा कप गुलाब की सूखी हुई पत्तियाँ, सौंफ 2 से 3 बड़े चम्मच, सौंफ इसमें आप मोटी बारीक कोई सी भी ले सकते हैं, साबुत इलायची 15 से 20, और 2 बड़े चम्मच साबुत काली मिर्ची। अब देखिए इसमें हम ये खसखस को नहीं डालेंगे क्योंकि खसखस को हमें गर्म नहीं करना है क्योंकि इसकी तासीर बहुत ज़्यादा गर्म होती है और ठंडाई की तासीर ठंडी होती है, इसलिए इसे बाद में ऐड करेंगे। अब इन सभी चीज़ों को रखेंगे हम गैस पर और फ्लेम को कर देंगे अब हाई, और ये पैन गर्म हो जाए बस इतनी देर के लिए हमें फ्लेम को ऑन रखना है। पैन के गर्म होते ही हम फ्लेम को बंद कर देंगे। देखिए इसको गर्म होने में सिर्फ 2 मिनट का समय लगेगा। पैन गर्म हो गया है, यहाँ पर मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है, और इसे कंटिन्यूस हम 2 से 3 मिनट के लिए इस तरीके से चलाएंगे जिससे कि सभी चीज़ें एक साथ गर्म हो जाएंगी और कोई भी चीज़ नीचे से जलेगी नहीं। देखिए इनकी अब ये सारी नमी निकल गई है, ड्राई फ्रूट डालते समय एकदम क्रंची हो गए हैं। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे जिससे कि ये जल्दी से ठंडे हो जाएंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पर हम ये पोस्त दाना, जिससे इसमें जो थोड़ी सी गर्माहट है बस इससे इसकी नमी निकल जाए। अब इसे भी इसमें मिक्स कर देंगे और हमें इसे अब पूरी तरह से ठंडा होने देना है। ये ठंडा हो चुका है, अब इसमें डाल देंगे हम ये केसर के धागे 20 से 25, और ये 1/4 चम्मच डालेंगे इसमें दालचीनी पाउडर, और साथ ही डालेंगे ये जायफल। जायफल को देखिए इस तरीके से ग्रेट कर लेंगे, ग्रेट करके डालेंगे तो ये जायफल इसमें अच्छे से मिक्स होगा। 1/4 जायफल हम घिस देंगे इसमें, देखिए ये ग्रेट हो गया है। अब इन सभी चीज़ों को कर देंगे मिक्स। देखिए ये हमारे कितने क्रंची हो गए हैं, इनकी जो पूरी नमी है इसमें से निकल गई है। अभी पूरी तरह से ठंडा हो गया है, अब इसे ट्रांसफ़र करेंगे हम मिक्सर के जार में क्योंकि इसे ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने का भी इसका एक अलग तरीका है, हम उसी तरीके से इसे ग्राइंड करेंगे। इसका कैप लगा देंगे। देखिए हमें मिक्सर ग्राइंडर को लगातार नहीं चलाना है, चलाना है फिर बंद करना है, चलाना है फिर बंद करना है, मतलब चलाएंगे और बंद करेंगे, चलाएंगे बंद करेंगे, इस तरीके से हमें ग्राइंड करना है। अगर इसे लगातार चला देंगे तो इसमें जो ड्राई फ्रूट हैं उसमें से उनका ऑयल अलग हो जाएगा। देखिए बीच में इस तरीके से इसे हम एक बार मिक्स कर देंगे जिससे सभी चीज़ें इसमें ऊपर नीचे हो जाएंगी। अब दोबारा से इसका कैप लगाकर इसे फिर उसी तरीके से ग्राइंड करेंगे, चलाएंगे बंद करेंगे, कंटिन्यूस नहीं चलाएं इस बात का खास ध्यान रखें। एक बार इसे फिर से खोलकर देखिए इस तरीके से इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब ये थोड़ा सा भी मुझे मोटा लग रहा है इसलिए इसको एक बार और ग्राइंड करेंगे।
जैसे हमने पहले किया था बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। देखिए अब इसे चेक कर लेते हैं, ग्राइंड करते हुए इसे करीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं। देखिए अब ये अच्छे से ग्राइंड हो गया है, सभी चीज़ें इसमें मिक्स हो गई हैं। अब इससे ज़्यादा इसे ग्राइंड नहीं करेंगे क्योंकि इसमें से इसका ऑयल निकलना शुरू हो गया है। देखिए हमें इसको इतना बारीक करना है जैसे कि एक पाउडर बन जाए इसका। अभी ये इसका देखिए बिल्कुल पाउडर बन गया है। अब इसे निकाल लेंगे इसमें से और एक बाउल में सारे ठंडाई मसाले को निकाल लेंगे। थोड़ी सी इसमें हम केसर के धागे और डाल देंगे। अब इस ठंडाई मसाले को कैसे स्टोर करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए कांच का इस तरह का कोई भी जार लेंगे, इसे प्लास्टिक के बॉटल या जार में नहीं स्टोर करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब कांच के जार में इसे ठंडाई मसाले को हम भर देंगे। आप इस मसाले को फ्रिज में करीबन 1.5 से 2 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, और आपको इसको बाहर ही रखना है तो आप इसे करीबन 15 से 20 दिन के लिए भी ऐसे ही रहने दे सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है और ना ही इसका टेस्ट चेंज होता है। अब इसका कैप लगा देंगे, कैप को बिल्कुल टाइट लगाएंगे जिससे कि इसमें नमी नहीं जाए। देखिए ठंडाई मसाला हमें इस तरीके से स्टोर करना है। अब ठंडाई कैसे बनानी है इसे वो देख लेते हैं। कोई भी एक बाउल लेंगे, उसमें डालेंगे हम ये 3 चम्मच ठंडाई मसाला। इतना मसाला 2 से 3 गिलास ठंडाई बनाने के लिए सफिशेंट है। ठंडाई को और भी ज़्यादा फायदेमंद बनाने के लिए इसमें हम चीनी की जगह पर ये मिश्री यूज़ करेंगे। देखिए ये इस तरह की मिश्री आती है, इसको मैंने तोड़ लिया है। अब इसको हम डालेंगे इसमें ठंडाई में मीठे के लिए करीबन 2 से 3 चम्मच। आप मिश्री की जगह चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे हम 1/4 कप पानी, जितना ये मसाला आराम से डूब जाए पानी में। अब इनको सभी चीज़ों को मिला देंगे। अब इसे कम से कम आधा घंटे के लिए सोख होने देंगे। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 घंटे के लिए भी सोख कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम के लिए हम सोख करेंगे तो ठंडाई ज़्यादा अच्छी बनेगी, लेकिन जब तुरंत बनानी होती है तो इसे आप कम से कम आधा घंटे के लिए सोख करेंगे। देखिए आधा घंटे के बाद देखिए अब मसाला कितना फूल गया है। अब इसे ग्राइंड करेंगे। अब लेंगे मिक्सर का जार जिसमें हमें ठंडाई बनानी है, उसमें डाल देंगे ये ठंडाई मसाला। और आप चाहें तो इसे पहले ऐसे ही ग्राइंड कर सकते हैं करीबन 2 मिनट के लिए, उसके बाद दूध को ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ठंडा दूध। ये दूध जो लिया है हमने ये बॉईल किया हुआ है, उसके बाद इसे फ्रिज में रख के ठंडा किया है। दूध लिया है मैंने ये तकरीबन 1/2 लीटर। थोड़ा सा दूध बाउल में डालकर भी डाल देंगे और डालेंगे गुलाब जल की 7 से 8 बूंदें। अब इसका जार का ढक्कन लगाकर इसे ग्राइंड करेंगे। इसे हम सेकंड वाले लेवल पर ग्राइंड करेंगे करीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए। मिक्सर को बंद कर देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम ये आइस क्यूब। ये मैंने 7 से 8 आइस क्यूब लिए हैं, इन्हें भी डाल देंगे और दोबारा से इसका कैप लगाकर इसे हम 1/2 मिनट के लिए दोबारा से ग्राइंड करेंगे। बंद कर देंगे और जार को निकाल लेंगे। एक बार ठंडाई को चेक करेंगे, देखिए ऊपर कितने झाग आ गए हैं इसमें। इसे एक बार इसी में मिक्स कर देंगे और ठंडाई देखिए आप कितनी थिक बनी है। ठंडाई तैयार है, अब इसे सर्व कर लेते हैं। लीजिए ठंडी ठंडी ठंडाई तैयार है। देखिए आप ठंडाई कितनी गाढ़ी बनी है और देखने में इसका कलर और टेक्सचर कितना अच्छा आया है। लीजिए हमारी ठंडाई तैयार है, ठंडाई मसाला तैयार है और हमारा स्टोर करने वाला मसाला भी तैयार है। आपको स्टोर इसी तरीके से करना है इसे। हमारी ठंडाई और ठंडाई मसाला दोनों बनकर तैयार हैं। आप जल्दी से आप इन्हें बनाइए, पीजिए और सभी को पिलाइए। आप सभी को मेरी आज की ठंडाई और ठंडाई मसाले की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताएं। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल हेल्दी क्रेविंग्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी हर नई आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। होली की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।